ऑलराइट, तो स्क्रीन भी सबको दिख रही होगी जी मैम, हो ना? हाँ जी, हो रही है शो। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कल वाले लेक्चर से रिलेटेड। उसमें एक जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है रिग्रेशन था, जो कि हम देख रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज से वो लर्न करती है मशीन, और फिर उसके बाद उसके उससे रिलेटेड उसे पता चल जाता है, कोई भी एक कोड बना लेती है और फिर सॉरी फंक्शन बना लेती है, तो फिर कोई भी टर्म बताई जाती है तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट कर लेती है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, जिसमें समोसा और कोक की बात हो रही थी। तो मैंने पूछना ये था कि जो दोबारा डायग्राम जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था वो जब बनाई थी, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट थी प्रीवियस वाली से। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के गूगल हमसे ये पूछा था कि आप रोबोट नहीं हैं, तो उसके लिए वो डिफरेंट हमें जो है वो पिक्चर्स दे रहा होता है। तो ये क्या मतलब इतनी एडवांसमेंट होगी इस चीज के अंदर कि वो उनसे डिफरेंट पिक्चर्स को बेसिकली लर्न कर सके और ये बता सके कि हाँ ये उसी क्लास क्लास से या फिर उसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि वहाँ पर रोबोट हमारा चेक करना, हमारा इस बात पर चेक करना कि हम रोबोट तो नहीं है, वो बेसिकली यही डिटरमाइन करता है कि मशीन को अभी इतना नहीं पता कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता पिक्चर्स को, जरा से भी डिफरेंट हो जाती है तो उसे नहीं पता चल सकता। अच्छा, इस पर एक मीम आप लोगों ने देखा होगा कि सेलेक्ट करो कि आप रोबोट नहीं हो, यू आर अ ह्यूमन, तो वहां पर एक रोबोट जो है वो उस पर टिक कर रहा होता है और मशीन को नहीं पता चला, एक रोबोट ने ही दूसरे मशीन का आंसर दिया और वो आगे सही हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि एडवांसमेंट हो चुकी हुई है, अभी भी ये जो यू आर नॉट अ रोबोट या यू आर अ ह्यूमन वाला सवाल करके आपसे पूछते हैं कि जो अभी सीढ़ियां ढूंढो या कैप्चा आ जाता है नीचे और उसके ऊपर कहा जाता है कि टिक करें यहाँ पर, फिर हम आगे जाएंगे, ये दोनों चीजें जो हैं वो ऐसी नहीं है कि इसको मशीन रीड नहीं कर सकती। दोनों चीजों को मशीन रीड कर सकती है, बट इट रिक्वायर्स एडिशनल मॉडल। तो आमतौर पे हर बंदे के पास वो मॉडल मौजूद नहीं होता, लेकिन ये सवाल कि क्या इतनी एडवांसमेंट है, अगेन उसका जवाब यस है। समोसा वाली आपने बात की थी, तो हम उसको ऐसी तस्वीर देते हैं जिसमें हमने उसको ट्रेन नहीं करवाया, ठीक है, और मैंने उसको समोसे की 10 तस्वीरें दी हैं और 11वीं तस्वीर वो समोसे की थी जो कि मैंने उसको नहीं दी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई ये समोसा है कि नहीं समोसा, तो वो मुझे आंसर दे देगा क्योंकि उसने उसके ट्रायंगल शेप होती है, उसका टेक्सचर इस तरह का होता है, वो उसने सीख लिया हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी तरह का जिस पर हमने ट्रेन करवाया वही उसी तरह का डेटा देते हैं, क्योंकि फिर फायदा तो नहीं होगा ना। अनसीन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन लेना काम होता है मशीन लर्निंग से। अगर हम अनसीन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं लेंगे, हमारा प्रिडिक्शन जो है वो उसी डेटा पे होगा जो हमने पहले मशीन को दिखाया हुआ है, फिर फायदा तो कोई भी नहीं हुआ इस चीज का। जिस तरह सिलेबस आपको एक दिया जाता है, तैयारी की जाती है 6 महीने उसके ऊपर, और पेपर में अगर एज इट इज वही किताबों से वही सवाल आ जाए तो आपकी ग्रोथ तो नहीं होगी ना, आपके कॉन्सेप्ट की ग्रोथ नहीं होगी, आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करोगे, आप खुद से सोचोगे नहीं। आपको एक टॉपिक दे दीजिए आपने पढ़ना है, आपको सवाल अनसीन आएगा जो आपने पहले नहीं सोचा होगा या पहले नहीं किया होगा, दिस प्रोबेबिलिटी यार कि पहले ना किया हो आपने, तो फिर आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस बारे में क्या करूँ। द सेम लाइक मशीन को भी इस तरह चाहते हैं कि वो ये वाला काम करे, उसको एक थोड़ा सा टॉपिक देते हैं कि इस पे सीखो और उसको नया सवाल डालें फिर इसका जवाब मांगे। सो दिस इज व्हाट वी वांट कि ये मशीन इस तरह ह्यूमन को रिप्लेस कर सके, ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस कर सके। सो यू गॉट योर आंसर ममुना? यस ओके, कल हमने ओवरव्यू लिया था मशीन लर्निंग का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मशीन लर्निंग की टाइप वो हमने कहा था कि हमारे लिए वेरी बिगिनिंग में होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग को शुरू कर रहे हैं। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास
लेनियर रिग्रेशन सबसे पहली चीज आ जाती है। लीनियर रिग्रेशन, सिंपल अगर रिग्रेशन का नाम हमने कल सुना था, लीनियर का नाम हमने नहीं सुना था। हम शुरू हमेशा उन चीजों से करते हैं जो आसान होती हैं, इसलिए हम रिग्रेशन को शुरू कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन से। तो लीनियर से मुराद आपको पता ही है कि क्या होता है, यानी कि दो वेरिएबल्स में ताल्लुक जो है वो सीधा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। तो दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट का ताल्लुक एक सीधी लाइन बननी चाहिए। एक चीज का बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये लीनियर होता है। इन तीन सिचुएशन में सीधी लाइन बनती है। अब लीनियर रिग्रेशन में एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक ही डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक ही एक्स होता है और एक ही वाई होता है। एक होता है हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, सो ऑन टू जितने भी हमने रखे, एक्स एन हो गया, और फिर हमारे पास एक ऑब्वियसली वेरिएबल होगा जिन पर डिपेंड कर रहा होगा वाई। तो एक्स को हम अक्सर बात कह रहे होते हैं फीचर, ये सारे इसके फीचर्स हैं, और वाई टारगेट है। तो एक्स इज इक्वल टू फीचर है एंड वाई इज इक्वल टू टारगेट। लेबल भी होगा, कुछ इस तरह की चीजें भी होंगी। ये फीचर को हम अक्सर का लेबल भी कह रहे होते हैं, लेबलिंग मौजूद है या टारगेट। तो फिलहाल हम इनको इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मैंने जब मैंने इसको किया है तो मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या की, वो एक्स और वाई शो होगी, क्योंकि मैंने डबल स्पेस नहीं दी। तो मामले में डबल स्पेस देते हैं ताकि अगली लाइन पे जा सके। इसको उठा के हम ऊपर ही देख लेते हैं। ठीक हो गए। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। अब हम मशीन लर्निंग का पहला एल्गोरिदम बनाने लगे हैं, मॉडल बनाने लगे हैं। लाइब्रेरीज हमने अभी तक जितनी पढ़ी हुई है हम वो इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाती है पांडा हमारे पास। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं हम वो सारी सारी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट एस के लर्न एस साइकिट लर्न जो है ना, उसको एस के लर्न भी कहते हैं। जब आपने इम्पोर्ट करना तो एस के लर्न के नाम से होना चाहिए। और कल मैंने कहा था कि पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। ये आप लोगों ने करना ताकि साइकिट लर्न की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, एस के लर्न को, साइकिट लर्न को, एस सी आई को हम हटा के एस के लर्न कह देते हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा नाम है उसका। एस के लर्न कहते हैं उसको जो हमने इम्पोर्ट करना है। हमने अब इसमें से मॉडल सीधा सीधा इम्पोर्ट करना है, पूरी लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं करानी है हमको। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लीनियर मॉडल के अंदर जा रहे हैं, इसलिए एस के लर्न से लीनियर मॉडल उठाएंगे। हम कहेंगे इम्पोर्ट फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल, और उसमें से इम्पोर्ट कर लो लीनियर रिग्रेशन को, क्योंकि हमने इस पे काम करना है। मुझे पता है कि मैंने इसी पे काम करना है, इसलिए मुझे सारी लाइब्रेरी या सारे लीनियर मॉडल्स को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने लीनियर रिग्रेशन पे काम करना है, इसलिए मैंने क्या किया, एस के लर्न से लीनियर मॉडल में से लीनियर रिग्रेशन इम्पोर्ट कर लिया। ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है, रादर देन कि आप सारे लीनियर मॉडल्स कर लो। अगर हमें सारा लीनियर मॉडल पे काम करना तो आप कर सकते हो फ्रॉम एस के लर्न इम्पोर्ट लीनियर मॉडल्स, लेकिन यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ये वाला यहाँ पर सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो इट वेरी फ्रॉम योर टास्क कि आपने क्या करना है।
अब हम कर लेते इसको रन। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अभी याद आई है कि हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भी यहां से इम्पोर्ट करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, अभी हमने बात की थी कि जब हम मॉडलिंग करते हैं, मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाते हैं, तो हम डेटा को लेकर फिर ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने के बाद उसकी टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग या प्रिडिक्शन लेते हैं उससे। तो वो भी हमें बताना पड़ेगा इसके लर्न को कि हमने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला हमें फंक्शन चाहिए क्योंकि हम ये काम कराना चाहते हैं। फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन कराना, टेस्ट कराना, और स्प्लिट किस हिसाब से कराना, 80-20 के रूल के हिसाब से कराना। कितना परसेंट ऑफ द डेटा हम ट्रेनिंग में देना चाहते हैं, कितने परसेंट ऑफ द डेटा हम टेस्टिंग में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको रन करा लिया। अगेन हमने एसके लर्न यूज करनी है मशीन लर्निंग करने के लिए। अभी तक ऊपर हमने काम किया था डेटा एनालिसिस करने के लिए, यहाँ पर हम मशीन लर्निंग की तरफ आए तो सिर्फ एडिशनल एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल हम करेंगे ज्यादातर, वो एसके लर्न है। सबसे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ले लिया और उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यहाँ से मेथड उठा लिया मॉडल सिलेक्शन में से। अब हमने करना है डेटा लेना, जाहिर सी बात है ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने के बाद हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, पहले डेटा है वही वाला जो कल हमने घरों का पढ़ा था वो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है का। एक्स इज इक्वल टू, हम अरे बनाते हैं जिसने हमने कल बात की थी कि हमारे पास मरला की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट्स से वही जो भी हमारे पास आ रहा था 1 से लेकर 10 मरले तक की इंफॉर्मेशन है, और वाई हमारे पास कीमत है, एनपी डॉट अरे। कीमत जो है ना वो हम इस वक्त करते हैं, हम 1 मिलियन कर रहे थे वो पाकिस्तानी रुपीज में था, अभी हम इस तरह करते हैं कि डॉलर्स में कर लेते हैं, $100, $200 से लेकर $1,000 तक। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये है हमारे पास फीचर, और फीचर हमारे पास क्या है, मरला। ठीक है, और ये मेरे पास है टारगेट रियल प्राइस है। ठीक हो गया, ये डेटा हमारे पास आ गया। मैंने एक अरे बना ली है एक्स की और एक वाई की। अगला काम ये है कि मैं पहले देख लूं कि एक्स और वाई का आपस में यू, हमें यहाँ पर तो पता चल रहा है कि ये लीनियर है, लेकिन अक्सर का डेटा हमारे पास आता है तो हमें ये जरूरी देखना होता है कि ये आपस में लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप वैसे ऐड कर देते हैं कि आपने स्कैटर प्लॉट बनाकर, यूजुअली स्कैटर प्लॉट ही बना ले, बनाना ज्यादा सूटेबल होता है यहाँ पर, स्कैटर प्लॉट, ताकि देख सकें कि लीनियरिटी है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं ताकि आप लोग बाद में उसको जबकि और डेटा लो तो उसके ऊपर काम कर सकें। PLT डॉट एक्स लेबल, टाइटल भी दे ही देते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये लीनियर ही है, बिल्कुल सीधा आ रहा है कि कीमत के बढ़ने से हमारे पास ये मरला का साइज बढ़ा तो कीमत भी बढ़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइस के आगे USD भी लगा सकते हैं साइन उसका, ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए, बस वैसे ही क्लियर होने के लिए कि इस तरह रीडेबिलिटी में इजाफा होना इज गुड। मरला कितने में होने से कितना डॉलर की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर काम शुरू होगा कि मेरे पास ये डेटा है, इसमें 10 वैल्यूज है। ठीक है,
अब मैंने स्प्लिट करना है, मैं डेटा को ट्रेन कराना और टेस्ट करवाने के लिए। अब यहां पर हम करते हैं स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए हमने डेटा उठाया, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमने इसमें से भी ट्रेन के लिए अलग करना है और इसमें से भी ट्रेन के लिए अलग करना है। फिर टेस्ट कराना है तो टेस्ट में इसमें से भी अलग करना है, इसमें से भी अलग करना है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों का आपस में रिलेशन हम पता करना चाहते हैं कि कितना मरला होगा तो कितनी कीमत होगी, इसलिए दोनों में से चीजें निकलेंगी। इसलिए मैंने कहा कि एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ये मुझे चार वैल्यूज चाहिए। मैंने वो मेथड यूज किया ट्रेन टेस्ट फिट का, फंक्शन यूज किया और आगे मैंने लिख दिया कि भाई एक्स है, वाई है, टेस्ट साइज मैंने लेना है 0.2, यानी कि 80% जो डेटा है वो ट्रेनिंग में चला जाए, 80% डेटा की ट्रेनिंग हो जाए और 20% डेटा पर टेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम ऊपर 80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्टिंग। अब ये रैंडम स्टेट का क्या मतलब है, पहले रैंडम स्टेट को ना यहाँ से खत्म करके फिर बात करते हैं, और यहाँ पर नीचे प्रिंट करा लेते हैं एक्स और वाई को पहले, ताकि समझ में आ जाए कि रैंडम स्टेट का क्या होता है मतलब। एक्स ट्रेन अच्छा, यहाँ पर ट्रेन उसे वो खुद ही से डिवीजन कर लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये डेटा लो वो डेटा लो, क्योंकि हम फिर बाइसनेस कर देंगे। ट्रेन के लिए उसने रेंडमली कोई से 8 वैल्यूज ले ली, टेस्ट के लिए फिर कोई सी भी 2 रेंडम वैल्यूज उसने अलग कर दी। उसी तरीके से उसके कोरस्पॉन्डिंग, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज आ रही थी वो उसने ट्रेनिंग में रख ली है, और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो टेस्टिंग में आ रही थी वो उसने वाई टेस्टिंग में रख ली। अब मैं इसको, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये क्या था, 4 8 9 3 या 10 2 को याद रख लो, ये 10 2 है और ये उसी के कोरस्पॉन्डिंग 1000 और 200 है। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी कि हर दफा ये रैंडम मुझे देगा जवाब। अब मैंने इसको फिक्स करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कभी कभी जब मॉडल बना रहे होते तो उसमें कुछ मसले आते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने डेटा एक दफा फिक्स कर लिया वो तब्दील ना हो, इसलिए आगे हम रैंडम स्टेट का ऑप्शन लगाते हैं कि भाई रैंडम स्टेट जो है यहाँ पर कोई भी सर्टेन नंबर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इट्स इट इज योर टास्क टू नो। यहाँ पे पहले 1 लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे 42 लिख दूँ, पहले 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये नंबर तब्दील करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्या लोगों का काम। अब मैंने 42 लिखे, ठीक है, मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास आंसर आ गया 92। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ, 10 दफा मैं रन करूँ मेरा यही रहेगा डेटा। तो रैंडम स्टेट का मतलब है कि रैंडम आंसर मुझे मिल जाए लेकिन वो तब्दील ना हो बार बार, एक दफा रैंडम डेटा कर लिया उसने डिस्ट्रीब्यूट तो बार बार रैंडम ना हो। इसका फायदा ये होता है कि आपको पास, जब आप सारा सारा मॉडल रन कर रहे होते हो तो पहले जो ग्राफ बना होता है बाद में भी आप लोग इसको विजुलाइज कर रहे होते तो उसमें तब्दीली ना आए, आपको पता हो कि यहाँ पर एक दफा रैंडम हो गया, बाद में उसको रैंडम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सारी चीजें दोबारा रन नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, कितने पे टेस्टिंग होनी चाहिए कितने, कि यूजुअली ये प्रिंट नहीं कराता, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रिंट कराता, इसको प्रिंट कराने का कोई फायदा नहीं होता। आपने ये काम कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इट्स एनफ फॉर नाउ। जी मैम, होना हाँ जी मैम, होना इसमें ये जो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट ये वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन यहाँ किए पे हैं। डिफाइन किया, हाँ जी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जितना अभी हम पीछे स्टैट और टी को उसी वक्त डिफाइन कर रहे थे ना, कि वो वाली वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी है वो मैंने लिखा है, ओके, और आगे मैंने 1.2 लिख दिया। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, ए में 1 चला जाए बी में 2 चला जाए, उसका भी हम देख लेते हैं। ए में
वन चला गया, वी में टू चला गया, तो ये स्पेस एक किस्म की मैंने बचाई है। एक लाइन पे ए लिखूं, फिर दूसरी लाइन बी लिखूं, तो मुझे पता है कि आगे जो चीज है उसका दो चीजें हैं, तो वो पहली चीज पहली में चली जाएगी, दूसरी दूसरी में चली जाएगी। इसी तरीके से ये वाला जो मॉडल, ये जो चीज रन होती है, इसकी चार चीजें आती है। तो चार चीजों में सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा बाहर निकलता है एक्स के लिए, फिर टेस्टिंग डेटा बाहर निकलता है, फिर वाई ट्रेन का डेटा निकलता है, वाई टेस्ट का डेटा निकलता है, फिर इसलिए हमने उसको साथ ही स्टोर करा लिया, रादर देन कि हम इंडिविजुअली स्टोर कराते। समझ में आ गई? यस ओके, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है सबको? ये अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने डेटा लिए, और अभी जो मेन काम हमने किया सिंपल वो ये स्प्लिटिंग का काम किया। अभी सिर्फ एक काम किया है जो हमने नया किया, बाकी सारा पुराना काम ही हो रहा है। सबको क्लियर है यहाँ पे? ओके, इसको फिलहाल के लिए छोड़ने देता हूँ। जब हमने यहाँ पे स्प्लिट करवा लिया है, अगला टास्क हमारा ये होगा कि अब हम मॉडल की तरफ चला जाए, मॉडल बनाए। अब यहाँ पे हम मॉडल बनाने वाले हैं। मॉडल कौन सा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने लगे, क्योंकि हमने लाइब्रेरी इम्पोर्ट की है एसक्यूएल की, तो सीधा सीधा उसको हम कह देते हैं इस वक्त हमारा मॉडल। ठीक है, हमारा मॉडल मैंने नाम दिया आगे लीनियर रिग्रेशन, ये सिंपल ये एक लाइन में मॉडल बन गया हमारा, रन हो गया, ये मॉडल इतनी लाइन में बन गया। हमने ये किया, हमारा मॉडल मॉडल बनाया, बट अभी तक हमने इस मॉडल को ट्रेन नहीं किया अपने डेटा के ऊपर। यहाँ पे सिंपल मॉडल बना है विदाउट ट्रेनिंग, यहाँ पे मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दिस इज विदाउट ट्रेनिंग। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे मॉडल बना। अब नेक्स्ट काम क्या है कि आप इस मॉडल को ट्रेन करें अपने डेटा के ऊपर। ट्रेनिंग द मॉडल ऑन डेटा। अच्छा, हमारा मॉडल को हमने पकड़ा, आगे उस पर फिट लगाया। फिट किस पे हमने करना है? एक्स ट्रेन पे करना है और वाई ट्रेन पे करना है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई मॉडल को ट्रेन करना है ना, तो फिट कर दो ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के डेटा के ऊपर। अभी ये मुझे एरर देगा, उसकी क्या वजह? अभी वो मैंने ऊपर करना था लेकिन मैंने नहीं किया, उसकी वजह इसलिए है क्योंकि अगर मैंने ऊपर कर दिया तो आपको रीजन समझ नहीं आती कि वो काम क्यों करना। इसको रन करता है, अभी मुझे एरर देगा कि भाई हमने क्या किया, ये टू डायमेंशनल अरे होनी चाहिए थी, हमने एक डायमेंशनल अरे दे दिया। सीन ये है कि हमने जब ऊपर ये डेटा लिया है तो ये वन डायमेंशन में है, यानी कि हमने एनपी अरे किया तो ये वन डायमेंशन में था। एक वेक्टर बना, एक वेक्टर है ये, एक लिस्ट बनाई है तो ये एक ही डायरेक्शन में है, टू डायमेंशन में नहीं है। एक्स जो है वो वन डायमेंशन में, लेकिन हमने मॉडल को फिट करवाना है तो वो हमसे डिमांड करता है, तो जो हम उसको फीचर दे रहे हैं वो टू डायमेंशन में होना जरूरी है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, शुरू में ही उसकी शेप जो है यहाँ पर ही तब्दील करता है, यहाँ पर इसको टू डायमेंशन कर लेता है ताकि बाद में मसला ना आए, वरना फिर हट जाएगा, हमें रीशेप लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम रीशेप लगाते हैं, और रीशेप में हम चले जाते हैं, वी वॉन्ट इट कि हमारी एक्स की वैल्यू -1, लेट्स सी के एक्स और वाई क्या है, लेट्स गो बैक लेते हैं। अब एक्स देखो इस तरह हो गया, टू डायमेंशन में चला गया, और वाई जो होगा वो वन डायमेंशन में है, तो वाई का मसला नहीं है अभी, क्योंकि वाई हमारे पास वो प्रिडिक्टर है।
ये मॉडल की रिक्वायरमेंट है कि हम टू डायमेंशनल डालें इसके अंदर चीज। अब इसको दोबारा रन करते हैं, क्या हो गया भाई? या तो हमने अच्छा, मैंने सिर्फ ऊपर रन किया, नीचे मॉडल को ट्रेन तो स्टिक कराया नहीं। ये रन करने के बाद मुझे यहाँ पर भी तो कराना था, क्योंकि ट्रेन और स्प्लिटिंग तो यहाँ हो रही है। इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई। ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन गया है। यहाँ पर हमारा ट्रेन हो गया, जो हमने उसको डेटा दिया था उसने उस डेटा में से सीख लिया चीजें खुद ब खुद। हमें पूरा इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने क्या किया, ऑलरेडी लोगों ने एसक्यूएल लाइब्रेरी में सारा काम किया हुआ, हमने सिर्फ उसको यूज किया है। तो ये है अच्छी चीज कि हमें ज्यादा टाइम आप लगाना नहीं पड़ता कि खुद से मॉडल बनाने बैठ जाए। स्क्रैच से डेटा हो, हमें पता हो कि उसका लीनियर रिलेशन है, उसको हमें स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग 80-20 जो है वो स्टैंडर्ड है, 30-70 भी हो सकती है, और कोई और इसका रेशियो भी हो सकता है, बट ये आपकी रिसर्च के अंदर बताया होता है स्टैंडर्ड की, ये स्टैंडर्ड है। और आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने 80-20 लिया या कोई और रेशियो लिया, तो वो क्यों लिया। 80-20 को इतना जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अगर इसके अलावा आप लेते हो, 70-30 भी स्टैंडर्ड के तौर पे समझा जाता है, लेकिन इसके अलावा जो लोगे वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों लिया। यहाँ पे हमने मॉडल को बता दिया कि भाई हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को किस नाम सेव करा है अपने मॉडल में, और यहाँ पर हमने अपने मॉडल को ट्रेन करा लिया। यहाँ तक काम हो गया सारा आसान, मॉडल ले लिया, मॉडल को ट्रेन करा लिया। अब काम आता है, मॉडल बन तो गया, प्रिडिक्शन लेनी है कि मॉडल ने किस तरह का काम करना है। अब हम यहाँ पे लेते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन या उसको कहते हैं टेस्ट, टेस्ट ऑन डेटा। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई प्रिडिक्शन कीमत, प्रिडिक्शन कीमत, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन कीमत, प्रिडिक्शन को हम स्टोर करा रहे हैं कि हमारा डेटा आगे प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट किसके बेस पे कराना है, जो टेस्ट का डेटा हमने संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, टेस्ट का डेटा हमने एक्स के टेस्ट को यूज करते हुए कीमत की प्रिडिक्शन करनी है, और फिर कीमत की प्रिडिक्शन को हम देख भी लेते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं, टेस्ट में मेरे पास क्या था, टेस्ट में मेरे पास पड़ा हुआ था 9 और 2, और प्रिडिक्शन में मुझे क्या मिला है, 900 और 200। एग्जैक्टली वही मिला है जो कि मेरे पास असली वैल्यू थी। ठीक है, ये डेटा मशीन ने नहीं देखा था, ये जो वाई टेस्ट और वाई एक्स टेस्ट है, ये डेटा मशीन ने नहीं देखा था। मशीन ने सिर्फ ये डेटा देखा और ये डेटा देखा, इसकी बुनियाद पर उसने एक फंक्शन बना लिया, लीनियर फंक्शन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर लाइन का होता ही है फॉर्मूला। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लीनियर लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होता है, किस तरह वो आते हैं फिलहाल वो हमारा सरोकार नहीं है। हम यहाँ पे हाथ से कैलकुलेशन करने नहीं बैठे हैं, हमने मॉडल इससे बनाया था कि वो कैलकुलेट कर, लेकिन पीछे ये चीज रन हो रही है, इसलिए बस आपको बता रहे। ये फंक्शन बन गया खुद ब खुद, उस फंक्शन के अंदर उसने अब क्या किया, 9 को रखा इसके अंदर और वाई की वैल्यू 900 आ गई, फिर 2 को रखा इसके अंदर भी वाई की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिडिक्शन बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता था ना कि ऊपर कैसा है, क्या इसका असल जवाब है। कभी कभी डेटा इतना ज्यादा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि प्रिडिक्शन सही आई है या प्रिडिक्शन सही नहीं आई। उसके दो तरीके हैं और दोनों तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका है इवेलुएट कर लो मॉडल को, जो उसके मेजर्स एक्यूरेसी चेक करता ना, कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी थी, मॉडल कितना अच्छा था। प्रिडिक्शन तो कर ली है, प्रिडिक्शन सही है या नहीं सही है वो अब आपका चेक करना काम है। उसके लिए लीनियर रिग्रेशन के लिए हम मीन स्क्वेर्ड एरर इस्तेमाल करते हैं और आर स्क्वेयर इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों का क्या मतलब है अभी हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर ना हम
लिख लेते हैं कि हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर लेना है और आर स्क्वेयर स्क्वाड लेना। एसक्यूएल से कहेंगे कि मैट्रिसेस हमने जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मीन स्क्वेयर एरर भाई हमें इंपोर्ट करके दे दो और आर टू स्क्वेयर दे दो, आर स्क्वेयर दे दो। तो उसको हमने एमएससी में स्टोर करा लिया वेरिएबल को, मीन स्क्वेयर एरर वाई टेस्ट, टेस्टिंग के लिए ओरिजिनल वैल्यू है ना हमारे पास वाई टेस्ट की, वो ओरिजिनल वैल्यू और जो हमारी प्रोडिक्शन आई है उनके दरमियान में डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि क्या है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी वैल्यू गलत होगी, जितना डिफरेंस कम होगा उतना वैल्यू अच्छी होगी। इसको हम पहले प्रिंट करा लेते हैं भाई, बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मीन स्क्वेयर एरर इतना और फिर आर स्क्वेयर हमारा, आर स्क्वेयर स्कोर में भी वही देना है कि वाई टेस्ट को कीमत प्रेडिक्शन के साथ। यहाँ पर हम इट्स बेटर टू राइट इट आर एस क्यू, आई गेस थोड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए होता है। मीन स्क्वेयर एरर 0 है, यानी कि जो प्रिडिक्शन आपकी थी और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। और आर स्क्वेयर बता रहा होता है कि आपकी जो प्रोडिक्शन है वो कितनी सही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वैल्यू बता रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का सम या माइनस करने से हमें कोई आंसर सही मिले, यानी कि उसके कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती। मीन स्कोर जितना कम हो उतना अच्छा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है मीन स्क्वेयर एरर की। मीन स्क्वेयर एरर को आम जुबान में क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है उसका और जो असल पॉइंट है उसके दरमियान में क्या डिफरेंस है। इस केस में एग्जैक्टली वही था तो डिफरेंस 0 था। और आर स्क्वायर कह रहा होता है कि किस तरीके से आपका एक्स आपके वाई को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपका एक्स कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है। आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये मॉडल बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ, इसलिए 1 आ गया। दूसरा तरीका देखने का होता है विजुअलाइजेशन, दैट्स इट, आई लाइक इट, क्योंकि विजुअलाइजेशन से आपको ज्यादा चीजें खुल के भी समझ में आ जाती है कि वो क्या है, कि हमारा जो मॉडल बना है वो हमें बता क्या रहा है, उसको विजुअलाइज हमने किस तरीके से करना है। स्कैटर प्लॉट ही बना देते हैं और TLT डॉट प्लॉट हम किसके बीच में करना चाहते हैं, टेस्टिंग के बीच में, प्रेडिक्शंस के बीच में, और ठीक है होना चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम बना रहे हैं। तो पहले हमने ये जो लाल लाइन है ये असल में मॉडल है, या आपका मॉडल ने लाल लाइन बनाई है, असल में जो आपका डेटा था उसके ऊपर मॉडल किस तरह फिट हुआ हुआ है ये वो लाल लाइन बता रहा है। और इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपका डेटा थोड़ा सा पेपर नीचे हो जाए तो आप इस तरह कर सकते हो। स्केटर में स्केटर हम टेस्टिंग और टेस्टिंग करके बना रहे, और यहाँ पे हम लेबल दे देते हैं कि ये लेबल है एक्चुअल और टेस्ट और कीमत है, तो यहाँ पे हम लेबल दे देते हैं प्रोडिक्टेड डेटा।
हमने क्योंकि लेबल लगाया है सो फीएलटी डॉट लेजेंड. पहले मैंने क्या किया था, मैंने स्कैटर में एक्स और वाई रखा था, यानी कि सारे एक्स और वाई मुझे दिखा दो. लेकिन अब मैंने क्या किया, स्कैटर को कह दिया कि भाई सिर्फ टेस्ट जिस पर हमने टेस्ट किया है सिर्फ वही वाला मुझे दिखाओ, क्योंकि उसी की बुनियाद पर हमारा मॉडल बना. ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर है, एक दोनों बेहतर है, लेकिन ये मुझे अभी इस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर लग रहा है कि मैंने स्कैटर से फोन डेटा का लिया जिस पर हमने टेस्ट किया था, उसको मैंने कह दिया कि ला जो ब्लू है वो एक्चुअल है, मैंने यहाँ पे कलर नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने ब्लू ले लिया, और ये जो लाइन है ये प्रिडिक्टेड है, तो दो पॉइंट ही थे और उस पर ये लाइन बन गई है. इसके अंदर हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे डेटा को, इधर उधर करेंगे, तो ये लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, और यहाँ पर फिर हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर और आर टू की वैल्यू तब्दील हो जाएगी ऑब्वियसली. बट यहाँ पर हमने एक मॉडल मशीन लर्निंग का बना लिया है, वो है लीनियर रिग्रेशन का, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. हमने मरला देकर कीमत पूछ ली है. अब यहाँ पर हमने ये कर लिया ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि ठीक है डेटा में से तो आपने दो पॉइंट लेके प्रिडिक्ट कर लिया, अगर मैंने ये पूछना हो कि भाई 15 मरला का कितनी कीमत होगी, ठीक है, जब प्रोडिक्शन 15 मरला मैंने तो बोला ही था, ये के सोच पे भी आ गए हैं. एनीवेज प्रोडिक्शन फॉर 15 मरला विदाउट गोइंग इनटू द डेटा, कैसे हम मॉडल को प्रोडिक्शन कर सकते हैं? तो क्या होगा, कीमत की प्रोडिक्शन है, हमारा मॉडल जो हमने बनाया था उसको प्रोडिक्ट करना है, उसके अंदर सिर्फ 15 लिख देना है, मेक इट श्योर कि ये टू डायमेंशनल हो. ठीक है, ये टू डायमेंशन में इसलिए मैंने यहाँ पर दो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम कीमत प्रिडिक्शन ले लेते हैं, तो 15 मरले पे 1500 कीमत आ रही है. इस तरीके से आपकी कोई अपनी वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंगल वैल्यू सिंगल लिखो, तीन चार वैल्यूज लेकर आने के ऊपर अरे बना के यहाँ पे पुट कर दो. इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हो. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने लिया था मरला और कीमत, मल्टीपल में हम ले ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल मरला हो गया, कमरे कितने हैं और जगह कैसी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, आप लोगों का टास्क अब ये है कि आप लोगों ने दो वेरिएबल्स एटलीस्ट लेकर काम करना है और फिर कीमत मालूम करनी है. मरला और रूम मैंने यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी साथ में ले सकते हो, तो आप लोगों ने ये काम करना है. अब मुझे ये बताओ समझ में आया है मॉडल जो हमने बनाया है? सबको समझ में आ गए? दैट्स गुड गुड. ये बहुत इंटरेस्टिंग है मशीन लर्निंग. यू हैव टू मेक इट फन फॉर योरसेल्फ कि क्या किस तरह करना है. तो आप लोगों ने, आपको आज खुद पर प्राउड फील होना चाहिए कि हमने एक मॉडल बना लिया है और उसको हमने जनरेट कराया कि भाई हमें कीमत बताओ. तो आप लोगों ने जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे काम करना है, वैसे तो आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पर डेटा इस तरह का ना लेना, यानी कि 1 2 3 4, डेटा थोड़ा सा खुद से ट्वीक करने की कोशिश करना, या फिर केगल पर हाउस प्रोडिक्शन के नाम से डेटा सेट मौजूद है, उसके अंदर काफी सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो केगल का डेटा सेट काफी ज्यादा मशहूर था वो, इसलिए वहां से जाके भी आप लोग ले सकते हो. आप सिंपल डेटा में से बता सकते हो कि हमने एक्स का लेना वाई का लेना, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को लेकर चलो तो यू विल लर्न इंशाल्लाह कि काम किस तरह करना. अब एक और बात यहाँ पर बतानी है, वो ये है कि लीनियर रिग्रेशन लगाने की असम्पशंस होती हैं, जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, ये असम्पशन होती है, प्री रिक्विजिट्स होते हैं. काफी सारी असम्पशन होती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक होती है लिनियरिटी चेक करना, एक होता है होमोसिडास्टिसिटी चेक करना, एक होता है रेसिजुअल को चेक करना. आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी आनी है चीजें.
दिस इज योर टास्क इज वर्क। असम्पशंस कौन सी हैं लीनियर रिग्रेशन पर जाने के लिए, वो भी आप लोगों ने फाइल जो अपलोड आप लोग करोगे मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, और उसके अंदर ही सारा नोटबुक पूरी सही से बननी होनी चाहिए। सो वाइज लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन पे काम करें तो पहला पार्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन के उसकी असम्पशंस ये हैं। अब हम पूरा मॉडल रन कर लिया है, सारा हो गया, अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सारा मॉडल रन कर लिया, उससे पहले हमें असम्पशंस पता होनी चाहिए। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की असम्पशंस एक आध हटके होगी, बाकी दोनों की असम्पशंस मल्टीपल की और लीनियर की सेम होती है, क्योंकि सिंपल एक ही डिफरेंस होता है कि एक में ज्यादा वेरिएबल है और एक में कम वेरिएबल। तो एक टास्क आपका ये होगा कि आपने असम्पशंस यहाँ पे लिखनी है, दूसरा टास्क आपको ये होगा कि आपने यही वाला सिंपल लीनियर रिग्रेशन का काम रिपीट करना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे ईच एंड एवरी स्टेप, विजुअलाइजेशन करके भी बतानी है कि क्या होना चाहिए। जी मैम होना मैंने पूछना था वो उसको जो कन्वर्ट किया है 2 डायमेंशन में, तो जस्ट ब्रैकेट डाल के कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये कि वो रोज और कॉलम दोनों में आ रहा है। ये चीज के ऊपर वाली चीज, ये जो 1 डायमेंशन में एरर दे रहा था ना, तो फिर उसको कहा कि 2 डायमेंशन में चेंज किया, इसके लिए एक ब्रैकेट और लगा दी, तो फिर वो रिजल्ट में पहले रोज में था, अब कॉलम में आ रहा है बस डबल ब्रैकेट के साथ। आपने देखा नहीं है सही से, मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाई, मैंने रीशेप इस्तेमाल किया है। मैंने एक अरे डिफाइन की थी, जब हमने अरे डिफाइन की होती है तो अरे के अंदर एक फंक्शन होता है कि हम डेटा को रीशेप कर सकते हैं, उसको या तो हॉरिजॉन्टली मेंशन करते हैं या 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, तभी नंपाई ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हम उसके अंदर इस तरह की चीजें मैथमेटिकली बहुत आसानी से कर लेते हैं। हमने ये किया, भी मेरे पास एक आ रहा था रीशेप अरे 1 डायमेंशनल इस डायरेक्शन में, मैंने तो कह दिया कि रीशेप कर दो मुझे 2 डायमेंशन में चाहिए, ठीक है ये कोमा समथिंग कि हम 2 डायमेंशन में चले गए, ठीक है तो हम इस तरीके से 2 डायमेंशन में गए अरे से, और ये ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर अभी ये सवाल हो सकता था कि एक्स को हमने एक लिस्ट बनाकर डबल ब्रैकेट्स लगा दी, तो वो हो सकता है 2 डायमेंशन में, तो वो आप टेस्ट करना, नहीं होता यूजली, ठीक है। जब हम नीचे उसको प्रिडिक्शन के लिए एक्स की वैल्यू दे रहे हैं जो कि सिंगल वैल्यू है, उसके अंदर हम 15 लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको यहाँ पर रीशेप करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पे अरे डिफाइन नहीं कर रहे कुछ। ओके किसी का सवाल है कोई? चलो अच्छी बात है, सब क्लियर है, तो प्रैक्टिस करो उसको और मॉडल जनरेट करो अपना। जरूरी नहीं है कि आप लोग कीमत और घर के ऊपर ही जाओ, अपनी मर्जी से कोई भी डेटा लेकर जो मर्जी वेरिएबल लेकर काम कर सकते हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वर्किंग डे, और तब तक ये वाला काम आपने कर लिया हो ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग में चीज होगी उसको हम देखेंगे, रिग्रेशन की ही टाइप होती है, दो मजीद मॉडल्स देखेंगे रिग्रेशन के, उसके बाद शायद हम आई थिंक सो 3 मॉडल्स रिग्रेशन के देखना जरूरी है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो ऐसी चीजें जिस पर आप लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे इनिशियली सुपरवाइज लर्निंग में। तो अल्लाह हाफिज़। लाफिस।